व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। एक बार फिर माय किचन खान किचन में एक मज़ेदार और न्यू किस्म की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मेरी जो आज की रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म का एक मीठा है, एक डिज़र्ट है और एक जो है मज़ेदार सा, आप इसको पाइनएप्पल पुडिंग भी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही यमी सा है और बहुत ही झटपट बनेगा और बहुत ही मज़ेदार और खाने में भी बहुत ही डिफरेंट होगा इसका टेस्ट। तो चलें व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि ये जो है पाइनएप्पल पुडिंग किस तरह बनेगी। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मेरे पास दो पैकेट क्रीम के थे जिनको मैंने इस तरह एकदम क्लीन बाउल में निकाल दिया है। अब मैं इसे बीट करूँगी, तो मैं फ़िलहाल इसे एक साइड पर रख देती हूँ। यहाँ मेरे पास जो है एक कप पूरा जो है कंडेंस मिल्क का है, ये कप कंडेंस मिल्क है। ये मेरे पास पाइनएप्पल रखे हुए हैं, तो ये पाइनएप्पल का पूरा एक कैन था जिसमें से मैंने हाफ जो है पाइनएप्पल अब निकाल दिए हैं जिनके मैं छोटे छोटे क्यूब्स करूँगी और कुछ जो है मैंने गार्निशिंग के लिए बचा के रखे हैं। ये जो है मेरे पास जेलेटिन है जिसको मैंने इस तरह तकरीबन 2 टेबलस्पून मेरे पास जेलेटिन था, उसको मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून नीम गर्म पानी में इसको डिज़ोल्व कर लिया है। और ये मेरे पास जेलेटिन है जो हम इस क्रीम में ऐड करेंगे। ये मेरे पास कैरेमल सॉस है जो मैंने अभी लास्ट में अपनी एक वीडियो दी थी इसकी केक की, बिल्कुल सिंपल जो मैंने केक दिया था उस पर मैंने कैरेमल सॉस ऐड की थी, ये वही कैरेमल सॉस है। तो अगर आपको कैरेमल सॉस की रेसिपी चाहिए तो आप वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने ये कैरेमल सॉस बनाया है। ये बिल्कुल सेम मैंने उसी तरह बना के रखा है क्योंकि मुझे ये एकदम कूल चाहिए था, तो इसीलिए मैंने पहले से बना के रखा है। और ये मेरे पास जो इस पाइनएप्पल के जो कैन में जूस आता है, ये वो जूस है जो मैंने लिया है, एक गिलास जितना ये पाइनएप्पल जूस है। ये पाइनएप्पल एसेंस है मेरे पास और यहाँ मेरे पास ये कलर है, फूड कलर। तो चलें व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और झटपट अपनी रेसिपी बनाते हैं। देखें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं क्रीम को बीट करूंगी और इसको मैं अच्छे से बीटर से बीट करने के बाद जो है ना मैं इसको डबल कर दूंगी। डबल करने के बाद हम इसमें जो है कंडेंस मिल्क शामिल करके इसको अच्छे से बीट करेंगे, फिर हम इसे जल्दी जल्दी सेट करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये हम किस तरह और कितना हम इसको बीट करेंगे। तो मैं इसे बीट करती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने तकरीबन जो है 1 सेकेंड इसको लगा है मुझे इसको बीट करने में, ये इतनी स्मूथ हो गई है। अब मैं इसमें जेलेटिन और जो है कंडेंस मिल्क ऐड कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसमें कंडेंस मिल्क और जेलेटिन ऐड कर दिया है। अब मैं इसको दोबारा बीट करूंगी। बीट करने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम इसे सेट कैसे करेंगे, इसको डेकोरेट कैसे करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊँगी। और ये पुडिंग जो है बहुत ही मज़ेदार और यमी किस्म की बनती है। इसमें कोई इसको बेक करने का या इसको जो है ना ज़्यादा इसके अंदर केक वगैरह ये चीज़ें वगैरह ऐड करने का, अंडे ये चीज़ें इसमें बिल्कुल एग्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं होता और ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की और यमी किस्म की ये पाइनएप्पल पुडिंग रेडी हो जाएगी। तो चलें मैं इसको बीट करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, 5 मिनट मैंने इसको बीट किया और ये क्रीम अच्छे से मेरी बीट हो गई है। अब मैं इसको जब तक फ्रिज में रख देती हूँ ठंडी होने के लिए। और यहाँ अब मैं जो है पाइनएप्पल के छोटे छोटे पीसेस कर दूँगी और फिर मैं आपको इसकी डेकोरेटिंग बताऊँगी कि इसको हम डेकोरेट किस तरह करेंगे। तो मैं इसको जब तक फ्रिज में रखती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हम बॉल में सेट कैसे करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने क्रीम जो बीट की थी वो मेरे पास रेडी है। ये मैंने एक बॉल ले लिया है इस तरीके का, आप कोई सा भी बॉल ले सकते हैं। तो इसमें मैं इसको सेट करूंगी इस पुडिंग को। ये मैंने पाइनएप्पल के इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स काट दिए हैं और ये भी मेरे पास रेडी है। ये मेरे पास कैरेमल सॉस भी रेडी है। अब मुझे सिर्फ इसको सेट करना है कि मैं इसको सेट कैसे करूँगी। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको जो है एक कप पाइनएप्पल जूस जो लिखवाया था तो वो मैंने एक बॉल में डाल के चूल्हे पे रख दिया था। जब उसमें एक हल्की सी बबलिंग आना शुरू हो गई तो मैंने जो जेलेटिन इस क्रीम के लिए इस क्रीम में ऐड किया था उसमें से मैंने 1 टेबलस्पून जेलेटिन
बचा के रख दिया था वो मैंने उस जूस में ऐड कर दिया था, और उसमें मैंने एसेंस और फ्रूट कलर मिक्स करके पाइनएप्पल जेली बना दी थी। तो वो जेली मैंने भी सेट करने के लिए रख दी है, वो थोड़ी सी कूल डाउन हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो हम इसके ऊपर डेकोरेट किस तरह करेंगे। तो चलिए अभी हम पहले इसे जो है ना सेट करते हैं। पहले हम इस बॉल में हाफ जो है क्रीम ऐड करेंगे। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इस बॉल में हाफ क्रीम ऐड कर दी है और हाफ मेरे पास यहाँ बॉल में रखी हुई है। तो मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी थोड़ा सेट होने के लिए, और इसे भी मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये जो है मेल्ट ना हो। और यहाँ जो ये मेरे पास कैरेमल सॉस है, अब मैं इसे भी बीट कर दूँगी। इसको मैं बीटर में तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको बीट कर दूँगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने कैरेमल को एक बॉल में डाल दिया है, अब मैं इसको भी बीटर से अच्छे से बीट कर दूँगी। ये देखें व्यूवर्स, मैंने इसको बीट कर दिया है, और ये वो क्रीम थी जिसमें मैंने इसको बॉल में डाला था। मैं इसके ऊपर ये तमाम कैरेमल की कोटिंग कर दूँगी। ये देखें व्यूवर्स, कैरेमल सारा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अब मैं इसमें ये जितना भी पाइनएप्पल है, ये तमाम पाइनएप्पल मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। ये देखें व्यूवर्स, कैरेमल के बाद मैंने पाइनएप्पल की टॉपिंग ऊपर कर दी है। अब मैं जो ये क्रीम मैंने बचा के रखी थी, अब ये मैं इसके ऊपर ऐड करके और इसे सेट होने के लिए रख दूँगी तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखें व्यूवर्स, इसके ऊपर मैंने तमाम जो है क्रीम की टॉपिंग कर दी है और पाइनएप्पल से इसकी गार्निशिंग कर दी है। अब मैं इसे सेट होने के लिए रख दूँगी। ये हल्का सा सेट हो जाएगा तो मैंने जो जेली रखी है तो वो मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी ताकि इसको जेली से पूरा कवर कर दूँगी। तो अभी मैं इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रख देती हूँ। इसको मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद ज़रा सा देखूँगी, इसकी ऊपर की क्रीम अगर हल्की सी सेट हुई होगी तो मैं आपके सामने इसके ऊपर जेली ऐड करूँगी। व्यूअर्स, जब जेली ये देखें ये इस तरह हल्की सी जो है नीम गरम जैसी हो गई, तो मैंने ये इसके ऊपर अब ये जेली की कोटिंग करके अब मैं इसको सेट करने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी, इसको सर्व करके मैं आपको फिर बताऊँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये तकरीबन इसको जो है मैंने सेट करने के लिए रख दिया था, तो इसको तकरीबन हो गए हैं 1 से 1.5 घंटा हो गया है, ये अच्छे से सेट हो गया है। अब मैं इसको जो है आपको सर्व करके बताती हूँ। अब मैं इसकी कटिंग करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी लेयर्स और ये किस तरह सेट हुआ है। ये देखें व्यूअर्स, ये इतना मज़ेदार और यमी सी ये पुडिंग रेडी हुई है। ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी बनी है ये पुडिंग। आप लोग भी इसको इसी तरह बनाएं, इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और ये मज़ेदार सी पुडिंग बना के इंजॉय ज़रूर कीजिएगा।